नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रही हूं जिसकी जिंदगी कुछ ही लम्हों में तहस नहस हो गई। एक ऐसी लड़की जिसके घर वालों ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक ऐसी लड़की जिसके परिवार ने ही उसकी खुशियों का गला घोंट दिया। जी हाँ, ये कहानी है बिहार के अररिया जिले की, जहाँ प्रेम संबंध के चलते एक युवक की हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। लड़के की हत्या का आरोप लड़की के परिवार पर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने लड़के को धोखे से बुलाकर मार डाला। वारदात को लेकर हैरानी इसलिए जताई जा रही है क्योंकि लड़की मृतक युवक से 2 साल से मिली भी नहीं थी और अब वह कथित रूप से उसकी विधवा बनकर उसी के घर में जिंदगी जी रही है और उसे न्याय दिलाने में लग गई है। इस पूरी घटना की जानकारी दी इस मामले की पूरी कवरेज करने वाले देवेंद्र कुमार ने, जिन्होंने लोगों से, प्रशासन से, मीडिया से छोटू को न्याय दिलाने में मदद की गुहार लगाई है। छोटू हत्याकांड बिहार के अररिया जिले में, जो कि आजकल पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, जिस कांड को जिस पत्रकार ने पूरा कवरेज करी थी वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कि क्या थी इस कांड की सच्चाई और क्या अभी इसमें छिपा है। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस कांड में हुआ था? यह कांड काफी दुखदायी है। एक ऐसी पीड़ा है जिस पर बीता है वही जान सकता है। आरती नाम की एक लड़की जिसके सामने उसकी प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी गई। आरती के घर पर छोटू मिलने के लिए आया था। आरती के परिवार वालों ने कहा था कि तुम अपने आशिक को बुलाओ, मैं तुम लोगों का शादी करवा दूंगा। लेकिन विधि का विधान देखिए, छोटू के साथ ठगी किया गया। छोटू रात में पहुंचता है, उसके माता पिता भाई जीजा सब मिलकर छोटू को पकड़ लेते हैं, बंधक बना लेते हैं और रात भर उसको टॉर्चर करते हैं। बिजली के करंट लगाए जाते हैं, नाखून कवाड़े जाते हैं और तरपा तरपा के उसकी पिटाई की जाती है और अंततः छोटू की मौत हो जाती है। अररिया के रानीगंज में घटित है और लोगों के नज़र में यह दुर्भाग्य की बात है कि बड़ी बड़ी मीडिया इस पर कवरेज नहीं कर रही है। अब हम लोग लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं ताकि यह मुहिम आगे बढ़े और आरती को सपोर्ट मिले। बात होती न्याय की। आपको पता है इस देश में न्यायिक प्रक्रिया क्या है, कितने घंटों में न्याय मिलती है। यहाँ पर लोग, जब ये घटना घटी थी ना पत्रकार महोदय, तो वहाँ के जो सांसद हैं भाजपा के, प्रमोद कुमार सिंह, गला फाड़ के वहाँ पर कहे थे कि मैं छोटू के हत्यारे को 24 घंटे के अंदर जेल करवाऊँगा, सभी को सजा दिलवाऊँगा, तब मैं पानी पीऊँगा। क्या हुआ? अब बिहार में क्या है? अब बिहार में नई मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो क्या आप लगता है आप छोटू को इंसाफ मिल पाएगा? सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। यह मामला प्रशासन के अधीन है, इसमें पॉलिटिकल क्या कर सकते हैं, राजनीतिक लोग क्या, राजनेता एक दबाव बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। सारा काम तो बिहार प्रशासन के हाथ में है। बिहार प्रशासन सोई हुई है। रानीगंज से जो थाना अध्यक्ष है कौशल कुमार, वो सोए हुए हैं। मात्र 4 अपराधी को पकड़े, बाकी अपराधी क्यों नहीं पकड़ पाए 1.5 महीने में? वो कहे थे कि सारे अपराधी को पकड़ लेंगे हम, कानून से बड़ा हो गया क्या अपराधी? हाँ, छोटू को मारने वाला आरती के पिता है, भाई है, जीजा है, कुछ पड़ोसी है। क्या कर रही है पुलिस, कुछ कर रही है क्या? देश की जनता के सामने आरती का मजाक बनाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि आरती की शादी नहीं हुई, आरती विधवा कैसे बनकर रह सकती है? प्रेम से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता है, प्रेम से बड़ी कोई आस्था नहीं होती। वो प्रेम है जो आरती को मजबूत करके रखा। आपको पता है भाई साहब, इस वक्त अगर किसी लड़की के सामने कहे तुम पिता के खिलाफ बोलो, लड़की ना बोल नहीं पाएगी, मुकर जाएगी। लेकिन आरती सोचिए कि ऐसी लड़की है वो कि अपने पिता के खिलाफ है, अपने भाई के खिलाफ है, जीजा के खिलाफ, जो पालनहार है। आप सोचिए इसका भविष्य क्या होगा। अगर मान लिया जाए छोटू के परिवार आरती को छोड़ दे, तो फिर आरती कहाँ जाएगी? हाँ, ये तो फर्ज बनता है हम लोग पत्रकारों का कि इस आरती को सपोर्ट करें, मोरल सपोर्ट करें, ताकि प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे। कुछ तथाकथित यूट्यूबर पत्रकार हैं जो सस्ता नशा करते हैं, जो आरती को बदनाम करने में तुले हुए हैं। हम बोलते हैं उन पत्रकारों को जो सस्ता नशा करके किसी को बदनाम कर रहे हैं, पहले अपने बहू बेटियों, अपने बहन को देख लो, तब तुम किसी के चरित्र पर सवाल उठाना। चरित्र पर सवाल उठाना आसान होता है, लेकिन उससे भुनाना, उसे बचाना बहुत कठिन काम होता है, जो आज हम लोग कर रहे हैं। आरती के चरित्र को जिस तरह से हनन किया गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लड़की निर्दोष है, 19 वर्षीय लड़की निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है
तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। मानो ये यूट्यूबर पत्रकार नहीं, ये बड़े बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं सवाल करने वाले। इनको तो चाहिए जो प्रशासन है ना, बिहार पुलिस, उनसे सवाल करना चाहिए, लेकिन उनसे मुझसे बात तो निकलेगा नहीं। बस कोई चाहिए मुद्दा पकड़ लो भैया, सुधर जाइए, नहीं तो हम सुधार देंगे आप लोगों को। खबर टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बताया कि छोटू हत्याकांड में क्या हुआ और क्या होना चाहिए। दिल्ली से खबर टुडे न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें खबर टुडे न्यूज़ के साथ।